ends up hurting people, thus raising the hackles of society. The writer therefore is often faced with a serious dilemma. Should one speak the bitter truth and nothing but the truth, or should one take refuge in the arms of silence and half-truth? Today, in this exciting session, four eminent women writers, Mridula Garg, Mamta Kalia, Dr. Anamika, and moderator Sujata, will address these vital questions and much more in a session titled Mere Zamane Ke Karwa Aur Mushkil Sach. सुप्रभात। आज के सुबह के सत्र में हम लोग जो चार स्त्री रचनाकार हैं, हम लेखिकाएं हैं, बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे ज़माने का कड़वा सच, कड़वा और मुश्किल सच। मैं थोड़ा सा परिचय बता दूं। मृदुला जी और ममता कालिया जी हिंदी की महत्वपूर्ण स्त्री रचनाकार हैं, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। यहाँ सभी जो हम बैठे हैं सब उपन्यासकार भी हैं। अनामिका जी कविता भी लिखती हैं। जिस समय मृदुला जी और ममता कालिया जी 50 और 60 की के दशक में जब ये लोग युवा हो रहे थे, तो इनके समय के अपने कुछ सच, अपने ज़माने के कुछ अपने कड़वे सच भी थे। और रचना की दुनिया में, लेखन की दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा, तो उस लेखन की दुनिया में लेखक होने के नाते भी कुछ सचों से इन्होंने सामना किया होगा ज़रूर। अनामिका जी की भी अपनी एक पीढ़ी है। 80 के दशक में जब कविता की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, तो अपनी तरह से दुनिया को जब वो देख रही थी, और एक कवित्री होने के नाते उन्होंने साहित्य की दुनिया में अपने जो सच जिनका सामना उन्होंने किया, जो कड़वे सच थे, जो सच्चाइयाँ थीं, उनके बारे में हम अनामिका से बात करेंगे। और एक पीढ़ी है मेरी और मेरे आसपास, मेरे साथ के जितने भी स्त्री लेखक हैं, कवित्रियां हैं, मेरे साथी हैं, जो लोग हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, और एक लेखक होने के नाते, इस दुनिया का नागरिक होने के नाते, हम लोग इन सारे कड़वे सचों का सामना कैसे कर रहे हैं और कैसे उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम लोग। मैं आज की बातचीत को शुरू करना चाहूँगी दो घटनाओं का उल्लेख करते हुए, और हाल ही की दोनों घटनाएं हैं। पहली घटना है जो अभी हैदराबाद में हुई। एक 25 साल की लड़की जो अपने काम से घर से निकली हुई थी, उसे लौटते हुए रात को 9:30 बज जाता है और सड़क पर उसके स्कूटी का टायर पंक्चर होता है। जिनसे वो सोचती है कि मदद मिलेगी, वही बलात्कार कर लेते हैं और बाद में उसे जला के मार भी डाला जाता है। दूसरी घटना है कल ही की घटना, ये परसों की घटना है जिसके बारे में मैंने बात की। दूसरी घटना कल ही की है, जिसमें एक 20 साल की लड़की इसी घटना के विरोध में गुस्सा दिखाते हुए अकेले इंडिया गेट पर बैठती है, एक प्लैक कार्ड लेके कि इस देश में मैं सुरक्षित क्यों नहीं। और मज़ेदार बात ये कि उस अकेली लड़की के प्रतिरोध को हमारी सत्ता, सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उसे पुलिस पूरी कोशिश करती है वहाँ से हटाने की, उसे उठाने की, और उसे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले जाया जाता है, और वहाँ से उसको फिर अंत में DCW के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा जाता है। ये दुखद है कि ऐसे समय में, ऐसी घटनाएं जब हमारे आसपास घटित हो रही हैं लगातार, वो एक अकेली लड़की जो एक प्लैक कार्ड लेके बैठी थी कि मैं इस देश में सुरक्षित क्यों नहीं हूँ, और आसपास से गुजरने वाले लोगों को उसके साथ बैठ जाना चाहिए था, उस प्रतिरोध में शामिल हो जाना चाहिए था,
उस एक अकेली लड़की से इतना खतरा हो गया कि उसे वहाँ से उठाने के लिए पूरी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँचती है और उसे ले जाया जाता है। ये दोनों घटनाएं मुझे बहुत परेशान करती रहीं। परसों से मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से समाज के भीतर और किस तरह से स्टेट संचालित, ये एक किस्म का एक अभियान जैसा अभी इन दिनों चल रहा है कि खौफ पैदा किया जाए नागरिकों के भीतर, और दूसरा उस खौफ को सत्ता प्रश्रय भी दे इस तरह से कि आप प्रतिरोध भी व्यक्त नहीं कर सकते, आपकी आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें सोचते हुए मैं बात करना चाहती हूँ उन सारे स्ट्रक्चर्स की जो जेंडर्ड हैं, मैं बात करना चाहती हूँ उन सारे सचों की जिनका सामना आज के समय में हम लोग कर रहे हैं, जिनका सामना अपने अपने ज़माने में भी मेरी वरिष्ठ लेखिकाओं को करना पड़ा और आज भी हम लोग वो सारे सच देख रहे हैं कि किस तरह से ओपिनियनेटेड होना, किस तरह से विरोध दर्ज करना, किस तरह से अपनी बात को कहने काबिल होने पर ही आपको दबाने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये भी साथ में इस बात में जोड़ना चाहूँगी कि अगर हमारे दिल्ली में इस तरह की घटना हो रही है, अगर मेन स्ट्रीम में हम लोग लिखते हुए इस तरह के विरोध का सामना करते हैं, तो उनकी क्या हालत होगी जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो दलित लेखिकाएं, वो आदिवासी, वो मुस्लिम स्त्रियां जो अपनी बात नहीं कह पा रही हैं, उन अस्मिताओं के लिए जो अन्य जेंडर्ड अस्मिताएं हैं, वो लोग अपनी बात कहने के लिए उनके लिए कितनी मुश्किलें उनको सामना करना पड़ता होगा जब हम मेन स्ट्रीम में रहकर लगातार अलग अलग तरह के विरोधों का सामना करते हैं, मिसोजिनी का सामना करते हैं, और ये मिसोजिनी इतना गहरे, स्त्री द्वेष इतना गहरे बैठा हुआ है पूरी पूरे के पूरे संरचना के अंदर, इतनी गहराई से बैठा हुआ है कि हम एक लेखक का, एक स्त्री का, मैं बार बार स्त्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्त्री होने से और लेखक होने से अपने समय को देखने और उसे दर्ज करने के तरीकों में फ़र्क पड़ता है। हम इस पर आगे भी बात करेंगे, मेरे और जो साथी हैं वो लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर राय लेना चाहूँगी ममता कालिया जी से कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं कि उनके ज़माने के कड़वे सच और मुश्किल सच क्या रहे। मुझे ऐसा लगता है, सुझाता है कि समय कभी अचानक ख़राब नहीं होता है, समय धीरे धीरे खराब होता है, सपने धीरे धीरे टूटते हैं। जिस समय हम जवान हुए थे और जब हम पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे थे, तो एक तरफ तो हमें आदर्शवाद की घुट्टी पिलाई जाती थी और अपने माता पिताओं के द्वारा ये बताया जाता था कि बड़ा अच्छा समय है, ये सपने पूरे होने का समय है, देश को आज़ादी मिल गई है। उस समय लेखक भी लगातार या तो विभाजन की त्रासदियों पर लिख रहे थे या वो सपने वाले, जो पंडित नेहरू के दिखाए हुए सपनों वाले भारत पर लिख रहे थे। ये समय हुआ पोस्ट 60s का, सातवें दशक का ये समय था जब हमने लिखना शुरू किया। लेकिन दूसरी ओर हम ये पहचान रहे थे कि ये समय इतना सरल और एक रेखीय नहीं है जितना कि हमको हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा बताया जा रहा है। उस समय हमारे साहित्य पर, हमारे समाज पर विदेश के प्रभाव पड़ने शुरू हो गए थे। हमने ये देखा था उस समय कि अमेरिका से और इंग्लैंड से बहुत सी ऐसी साहित्यिक धाराएं आ गई थी जिनसे कि हम थोड़े से पथ से अलग हो रहे थे। एब्जर्ड थिएटर उस समय आया था, एब्जर्ड कविता उस समय आई थी, एब्जर्ड कहानी में होती जा रही थी। रूसी साहित्य ने उसे थोड़ा सा बचा रखा था, लेकिन अमेरिकन साहित्य ने उसको पूरी तरह से पटरी से उखाड़ दिया था। स्वयं हम उस समय पंडित नेहरू को पराभव के काल में देख रहे थे,
क्योंकि देखिए हम इंडो चाइना वॉर हार चुके थे, उसका बहुत खराब असर भारतीय मानस पर पड़ा था, तो हम एक बड़े मुश्किल समय में सांस ले रहे थे। उस समय हमने कलम उठाई जब सपने लगातार खंडित हो रहे थे, अकविता का जमाना आ गया था, हम सब अकविता लिख रहे थे जो चौंकने वाली कविताएं होती थी, जिनसे ही पता चलता था कि हमारे मूल्य इस समय संकट में है। ये कह सकते हैं कि वो समय भी एक क्राइसिस का समय था, संकट का समय था। तो संकट, मेरा कहने का मतलब ये है कि संकट केवल आज ही आप महसूस नहीं कर रहे हैं, ये संकट हर समय थोड़ा थोड़ा करके छन छन के आता रहा है और धीरे धीरे उसका विकराल रूप बना है। मृदुला जी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका भी। मैं थोड़ा सा, मेरा अनुभव ममता से अलग है क्योंकि मेरे पिता खुद स्वतंत्रता आंदोलन में थे और फिर उनका बहुत ज़बरदस्त उससे मोहभंग हुआ था, और जब आज़ादी मिली तो ये लगा कि जब हम आज़ाद नहीं थे तब हम आज़ादी के लिए लड़ाई करते थे और आज़ादी हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ थी कि वो मिल जाएगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो उससे बड़ा भारी मोहभंग हुआ था कि जब हम आज़ाद नहीं रहे तो हम जानबूझ कर विदेशों की नकल करने लगे और अपना, हमारा अपना कुछ नहीं रहा। और फिर मैंने 70 में लिखना शुरू किया, 72 में दरअसल, और 75 में जब इमरजेंसी लगी तभी मेरा पहला उपन्यास छपा था। तो मैंने लिखा इमरजेंसी के दौरान और बिल्कुल मोहभंग हो जाने के बाद और इमरजेंसी के बाद के वर्षों में, तो एक पड़ताल बार बार पिछले अपने इतिहास की, अपने साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन की भी करती रही। मगर जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि वो ज़माना, हमारा ज़माना कोई अलग नहीं था, जिस भी समय में हम जीते हैं वो हमारा समय होता है, तो ये आज का ज़माना भी मेरा ज़माना है। और आज इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई है मगर एक अलिखित आपातकाल जैसा दिख रहा है चारों तरफ। अभी जो दो उदाहरण दिए इन्होंने, सुजाता ने, वो बात बहुत ही उद्वेलित की हुई है हम सभी लोगों को, और जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ हर 15 मिनट पर एक बलात्कार होता है, तो सुजाता से पहले, सुजाता ने जैसे कहा, प्रियंका से 15 मिनट पहले भी बलात्कार हुआ होगा और प्रियंका रेड्डी के 15 मिनट बाद भी बलात्कार हुआ होगा, और सब बलात्कारों से हम इस कदर उदासीन रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक बलात्कार होता है, निर्भया के संग हुआ या बीच में कोई हुआ, और हम उसको लेकर हमने मार्च किया, हमने उसका विरोध किया, मगर जो मानसिकता है वो वही की वही है। और मैं इस बात के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की तारीफ करना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बुलाया है तो किसी स्त्री मुद्दे को पर बात करने के लिए नहीं, सामाजिक ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया है, और संयोग है कि हम चारों स्त्रियाँ हैं। देखिए, जब कोई बलात्कार होता है तो बलात्कार होता स्त्री के साथ है, करते तो पुरुष हैं, एक स्त्री होती है उसमें, गैंग रेप होता है तो कई सारे पुरुष होते हैं, तो उन पुरुषों की मानसिकता में क्या खराबी है, इस सामाजिक, हमारे समाज की मानसिकता में क्या खराबी है, क्या कमी है कि वो स्त्री से इतना डरते हैं कि उसे चुप कराने का सिर्फ एक तरीका उन्हें मालूम है और वो है बलात्कार, और वो भी सामूहिक बलात्कार। तो ये नृशंस प्रवृत्ति, और सबसे बुरी बात जो होती है, जैसा कि एक उसका एक कोण तो वो था कि वो लड़की प्रोटेस्ट करने बैठी तो उससे हटाया जा रहा है, उसको उससे ऐसा डर गए जैसे देश ही टूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो सारे और लोग होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि ये लड़की का अपना कसूर है, इसमें कहा गया कि उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। अरे भाई, आप जानते नहीं पुलिस को क्यों फ़ोन नहीं करते हम, क्या कोई भी, क्योंकि पुलिस ने यही कहा ना, पुलिस वाले ने जब उसकी बहन ने फ़ोन किया कि वो भाग गई होगी। ये जो मनोवृत्ति है, और ये सिर्फ निचले तबके के लोगों के नहीं है, ये मनोवृत्ति ऊंचे से ऊंचे, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी मनुष्य की है हमारे यहाँ, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो साहित्यकार हो। मुझे याद है निर्भया कांड के बाद हम कोई कार्यक्रम था टीवी पर, और जब हम लोग मेकअप करा रहे थे तो वहाँ जितने पुरुष थे वो ये आपस में बात कर रहे थे, अरे भाई उसका नाम तो बतलाया नहीं,
अरे मैंने कहा आपने उसका नाम का क्या करना है आपको, उसका असली नाम, यानी चटकारे लेके वो उस दिन जब फैसला आ रहा था तो ये बातें कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि ऊपर से कितनी भी सहानुभूति जतलाएं, असल में उनके लिए सिर्फ एक वो घटना होती है और एक उत्तेजक घटना होती है जिसको वो एक बहुत ही क्रूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी होगी। स्त्रियों को मैं वो पूछ रही है मैं यहाँ पर सुरक्षित क्यों नहीं हूँ, जवाब मिल गया कि आपसे हम डरते हैं इसलिए आप सुरक्षित नहीं हैं। एक हीन भावना पुरुषों के भीतर है कि स्त्रियाँ आगे बढ़ रही हैं तो इनको रोको, और उनको रोकने का उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और फिर सब मिलकर उसकी कोई भर्त्सना करता नहीं है मन से, कहीं ना कहीं वो स्त्री को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। और यही चीज़ें सिर्फ एक बलात्कार की बात नहीं है, हम मुझे जो सुबह उठते ही हमें एक कड़वा सच प्रदूषण के तौर पर हम महसूस करते हैं, हमारी सांस घुटने लगती है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, और दोष किसे दिया जा रहा होता है, उन किसानों को जो पराली जला रहे हैं। मैं बार बार पूछती हूँ वो पराली सरकार खरीद क्यों नहीं सकती, सरकार अन्न खरीद सकती है, सरकार वो पराली खरीद कर उसका चारा बन सकता है, कैटल फीड बन सकती है, तो बनाती क्यों नहीं है? वो जो किसान है वो खुद तो बना नहीं सकते, उनकी इतनी औकात नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी चारा बनाए उसको, उनके पास सिर्फ जलाना ही एक विकल्प है। आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे कोर्ट से लेकर एग्जीक्यूटिव सब लोग बना दें कानून, वो फिर कितनी भी आप उनके ऊपर फाइन लगा दें वो फिर भी जलाएंगे क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। तो क्या हमारी सरकार इतनी छोटी सी बात नहीं समझती? जब भी व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहती हूँ फौरन ये प्रतिक्रिया आती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वो कहीं रजिस्टर नहीं करता, कहीं सत्ता पक्ष में वो रजिस्टर नहीं करता। तो ऐसे ही कड़वे सच हमारे हैं प्रदूषण को लेके, पर्यावरण को लेके। एक आपने इन पेड़ ऐसे कटते हैं जैसे वो कोई भुनगे पतंगे हों कि उनको हटा दो ऐसे हाथ करके, और वहाँ पर कुछ भी बना लो, चाहे उससे कितना भी नुकसान हमारा ही होता है और हमारा ही होगा। ये जो कड़वा सच इस ज़माने का है, वो कड़वा सच 1970 में भी था, 1975 में भी था, 1980-90 सब दशकों में था, ऐसा ही चला आ रहा है। कोई आर्थिक नीति नहीं बनी, कोई पर्यावरण नीति नहीं बनी, कोई नीति ऐसी नहीं बनी जिससे हम, नीति तो छोड़िए, हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया कि हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि भाई तुम स्त्री की इज्जत करो। इज्जत इसलिए नहीं कि वो माँ बहन बेटी ये वो है, इसलिए कि वो इंसान है। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना। एक मिनट सुजाता, वो मुझे बीच वाक्य में मत रोको, मैं खत्म कर रही हूँ। तो एक इंसान की तरह हमें सिखाया ही नहीं गया, हम अपने बेटों को सिखाते ही नहीं है, और वो हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वो सिखाएं। अनामिका जी, मतलब ये महज इत्तेफाक तो नहीं होगा कि चार स्त्री जो लेखक हैं वो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं समाज, इतिहास और अपने समय की बात करने, तो मैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट लेना चाहूँ। जी, स्त्री दृष्टि से बृहत्तर समस्याएं कैसे देखी जाएं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि स्त्री दृष्टि घर परिवार तक ही सीमित है, जबकि आँखों से, इन्हीं आँखों से स्त्री दृष्टि जो है वो युद्ध को, दंगे को, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग को देखती है और उसका समाधान सामने रखती है अपने वैकल्पिक सच के रूप में। आपके जो प्रयाण स्टेटमेंट था वो तीन, उसमें बीज शब्द थे, दो की व्याख्या बहुत अच्छी हो चुकी है, समय की, कि समय प्रवाहमान है, उसके पड़ाव होते हैं और हमें हर समय फ्लक्स का समय होता ही है। जो दो और बीज शब्द हैं, कड़वा और कठिन, मुश्किल, मैं उस पर अपनी बात कहती हूँ। और मृदुला जी ने जहाँ पर आपातकाल का जिक्र किया, हमने जब आंखें खोली, होश संभाला, स्कूल छोड़ा, उस समय आपातकाल था, और उसकी संपूर्ण, मैं तो बिहार में पैदा हुई तो संपूर्ण क्रांति का जो एक आह्वान सुना था हमने, उसका भी फेलियर देखा। तो हमारा सोच समय था वो 1990 का, जो महान विफलताएं हुई, महाप्रमेयों के ध्वंस की, उसकी पूर्व पेटिका बांधता हुआ सा समय था। और उस समय हम लोगों ने ये अपना समय की अगर बात कहूँ तो ये सीखा कि कोई भी क्रांति,
अपक्रांति हो जाती है, में परिणत हो जाती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, कोई भी, या सम, कोई भी रेवल, छोटा छोटी सी भी क्रांति तुरंत ही पलटा खा के अपक्रांति हो जाती है अगर उसमें आत्मक्रांति का परिवेश नहीं बना. हम स्वयं को अगर नहीं बदल पाते, एक एक इंडिविजुअल, जो कि स्त्री दृष्टि इस पर बहुत जोर देता है जब वो कहता है पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो वो उसी तरह की बात कहता है जो अभी मिदुला जी कह रही हैं कि हम अपने वैयक्तिक निर्णयों में अगर हम अपना भीतर वो नहीं, जिसको पुराने शब्दों में संस्कार का प्रक्षालन कहते थे, और नए शब्द में अगर हम कहें तो काम क्रोध लोभ का जो अतिशय है, सरप्लस है, जो तरह तरह की कठिनाइयों में और विकट क्रूरताओं में परिणत होता है, उसका जब तक हम नियमन न करें, उस पर शासन न कर लें, हमें बहुत बड़ी हमारे समय की विडंबना है, या शुरू से सबकी विडंबना रही है कि सारी दुनिया पे काबू करना चाहते हैं हम, खुद पे काबू किए बिना. तो जो अतिशय है क्रोध का, वो आतंक में घटित होता है. जो अतिशय है लोभ का, वह बाजार में विघटित हो फैलता है. और गिरह कट गला कट स्पर्धा का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जबकि जीवन का मूल मंत्र स्पर्धा नहीं है, सहकारिता है. ये भी स्त्री दृष्टि से सामने आई है बात. तीसरा, जो तुम, जिसकी ओर तुमने इशारा किया कि अतिशय कामना, जो कामना जीवनदायी है, वो कामना अगर, कामना भी अगर अतिशय हो जाएगी, तो इसी तरह के बल और छल और सब तरह के किसी भी तरह की अदरिंग करेगी, और उसको उसी तरह के बलात्कार की बात तुमने की, लेकिन किसी भी तरह की क्रूरता के उसमें वो खड़ी हो जाती है कि जो मेरे जैसा नहीं है उसको मार डालो, काट डालो, उसको नेस्तनाबूद कर दो. ये पूरी ही पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग, जो हमारे समय का एक विकट सच है, जो मेरे धर्म वाला नहीं है. एक बहुत बड़ी बात और है कि हमारे समय में जो दो महाप्रमेय थे, धर्म और मार्क्सवाद, इन दोनों का प्रयाण बिंदु था अहंकार का विनाश. अपना अहंकार छोड़ दो और दूसरे के लिए जितना काम कर सकते हो चित्त का विस्तार करके करो. लेकिन धीरे धीरे ये हुआ, जिससे हम बच्चे थे तो कहा जाता था कि सच का रास्ता बहुत छोटा सा है और वो सरल है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें पता चला कि अपने मूल स्वरूप में भले ही सत्य की किरण एक सफ़ेद और तिरछी और मीठी सी किरण हो, लेकिन जब वो भेदभाव की संरचनाओं वाले समाज के प्रिज्म पर पड़ती है तो वो सात रंगों में टूट जाती है. सात के भी रंग, उस सफ़ेद सत्य की किरण के भी सात रंग हो जाते हैं. एक दलित का सच, एक गैर दलित का सच, एक स्त्री का सच, एक पुरुष का सच, और एक उसमें भी संधित पुरुष का सच, सुलझे हुए पुरुष का सच, और एक बिगड़े हुए पुरुष का सच, आदिवासी का सच, जंगल में रहने वाले का सच, शहराती का सच, गांव में रहने वाले का सच, सब टूट बिखर जाते हैं उसके साथ. और एक समाज के निर्माण के लिए जब हम सोचते हैं बड़ी सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि जो है वो पर्यावरण असंतुलन की बात इन्होंने की, लेकिन पर्यावरण असंतुलन के समानांतर हमारे भीतर भी वृत्तियों का जो असंतुलन हो गया है, वो भी बाहर भीतर दोनों ही प्रदूषण ही फैला रहा है. तो उसके हिसाब से अगर हम कठिनाई समझें कि हमें सात रंगों के सच से एक कालीन बुननी है, और प्रतिनिधित्व का सच जो है वो एक कठिन सच होता है, उसमें समंजन बिठाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और बार बार धागे टूट जाते हैं. इसलिए हमारे समय का जो विकट सच है वो सब तरह के सचों का एक ऐसा संयोजन है जो एस्थेटिकली, एथिकली, सबका सबको न्याय दृष्टि से समाहित करे. और ये हमारा ऐसा ही भी समय है जब न्याय के साथ करुणा की बात हो, क्योंकि एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र कब तक होगा? आखिर तो प्रतिरोध का भी मतलब अंतिम बिंदु वो होता है संवाद. संवादहीनता तो कहीं की नहीं ले जाती हमको.
तो एक ऐसा संवाद घटित करना है जो सामरस्य की ओर ले जाए, संतुलन की ओर ले जाए सबकी बात। हम एक हाइपर कनेक्टेड युग में रह रहे हैं, ये भी हमारे समय का बड़ा सच है कि हम हर तरफ से जुड़े हैं, अंतरजाल से जुड़े हैं, लेकिन हमारा हृदय इतना अकेला है। तुमुल कोलाहल तो है लेकिन हृदय की बात सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले की आँख में हम जजमेंटल होने का भाव देखते हैं, हम एम्पैथी नहीं देखते। तो ये अपने समय की बहुत बड़ी विडंबना है। सच कहेगा आदमी तभी तो जब सामने वाले की आंखों में आदर देखेगा अपने सच के लिए, वरना तो घुट जाएगा आदमी का गला, कह नहीं पाएगा। तो एक तरह का ही जो सेंसरशिप है, जो बड़े व्यापक राजनीतिक सेंसरशिप तो है ही है, एक आत्मिक सेल्फ सेंसरशिप भी जो है वो भी बड़ा व्यापक हम लोगों का क्रूर समय का सच है, जिस पे हमें नए सिरे से सोचना होगा। एक वाक्य सिर्फ कहूँगी विद योर परमिशन, कि ये जो तुमने कहा कि हम सेल्फ सेंसरशिप, वो भय से पैदा होती है, और जो कुछ भी पैदा होता है भय से पैदा होता है। और मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग जो हमारे यहाँ आजकल हो रही है और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ममता जी, जो अभी अनामिका जी ने बात की, मृदुला जी ने बात की, और आपने शुरू में अपने समय के सचों पे बात की ही, मुझे एक और चीज़ याद आई। हम लोग न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन को देख रहे थे कि कैसे अपने देश पर मुसीबत, संकट के समय, आतंकवाद के समय उन्होंने जिस तरह के जेस्चर्स, जिस तरह का व्यवहार अपने नागरिकों के साथ किया। मुझे उस समय लगातार लगा कि हमें राजनीति के भी फेमिनाइजेशन और फेमिनिस्टाइजेशन की बहुत ज़रूरत इस समय है, क्योंकि जिस तरह के मर्दाना गुणों से हमारा पॉलिटिक्स, हमारे देश और हमारा जो राष्ट्रवाद है, जिस तरह से ये सारे नैरेटिव्स हमारे सामने समय खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं मनुष्यता के विरोध में जाते हैं। और इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है इस बात की कि हम स्त्री के नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देखें, समाज को, अपने इतिहास को, अपने समय को, अपने समय के संकटों को भी देखें। जैसे कि बीच में बात हुई भी है कि स्त्री मुद्दों पे ही बात करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है। मैं ममता जी आपसे जानना चाहती हूँ कि स्त्री मुद्दों पे बात करने के लिए नहीं बुलाया जाना और समाज और इतिहास और बाकी चीज़ों पर बात करने के लिए स्त्रियों को बुलाया जाना, ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब कि क्या सिर्फ स्त्री मुद्दों पर बात करना, दरअसल हम लोगों ने, मुझे लगता है परिवर्तन जो हो रहा था समाज में, राजनीति में, समाज में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, मुझे लगता है हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संतुलित ध्यान नहीं दिया। एक तो हमारे यहाँ ग्राम समाज है, कस्बों का समाज है, शहर का समाज है, हमने उस सब के ऊपर परिवर्तन की प्रक्रिया को आरोपित किया। और जो अभी अनामिका ने कहा, वही कहीं उपभोक्तावाद और बाजारवाद के रूप में हमें दिग्भ्रमित करता चला गया, उसने हमें रास्ते से भटकाया। और यहाँ स्त्री पुरुष का मुद्दा इतना नहीं है जितना इस बात का है कि हम सब कहीं बाज़ार का लाभ लेते लेते बाज़ार के प्रोडक्ट बन गए। तो ऐसे समय में अगर स्त्री के अंदर भी एक किस्म का विघटन आया कि वो धीरे धीरे, उसने ये पहचाना नहीं कि बाज़ार उसका भी इस्तेमाल कर रहा है, और नए किस्म के संकट पैदा हो गए। आज मुझे महात्मा गांधी याद आते हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर महात्मा गांधी की बताई हुई सादगी वाले जीवन पर हम जीते रहते तो शायद हम कहीं ज़्यादा अच्छे निष्कर्षों तक पहुँचते। हमें राजनीति ने और धर्म ने बहुत भटकाया, न जाने कब कौन कौन से बाबा हुए जिन्होंने समाज पर असर डालना शुरू कर दिया। स्त्रियां सबसे पहले भटकी, और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चेतना जब बढ़ती हुई शिक्षा के साथ घालमेल करती है तो एक नया संकट पैदा हो जाता है। और भयंकर और कड़वे यथार्थ में इन सब चीज़ों का घोल एक बिना पचे हुए वमन के रूप में सामने आता है। मुझे लगता है कि ये हमें बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह का साहित्य हम लिख रहे हैं, किस तरह के भाषण
हम सुन रहे हैं राजनेताओं के और किस तरह की चीज़ें हमें उपभोग के लिए दी जा रही हैं। तो देखा जाए तो ये बहुस्तरीय परिवर्तन का संकट रहा है। ये इस सारी चीज़ को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि आज हम इस ढलान पर जो शुरू हो गए हैं उतरने और सरकने, इस ढलान को हम रोकें और वापस अपने को थोड़ा सा सादगी की ओर ले जाएं, थोड़ा अपने मन के अंदर की परतें, अपनी गांठें खुद खोलने की कोशिश करें। हर आदमी ये चाहता है दूसरे से आधुनिकता में आगे निकल जाए, हर एक की गाड़ी उसकी गाड़ी से बड़ी हो, हर एक के अंदर एक स्पर्धा की भावना रहे। मुझे लगता है इन चीज़ों से मुक्ति पानी चाहिए, क्योंकि जब समाज अपनी कुंठाओं से और गांठों से मुक्त होगा तो स्त्री की मुक्ति अपने आप होगी, उसकी सुरक्षा अपने आप होगी। सुरक्षा अलग से तश्तरी में रखकर नहीं दी जा सकती, सुरक्षा के लिए आपको वैसा वातावरण बनाना होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ सुजाता, क्योंकि तुमने मेरी बात पर प्रश्न किया था। मैं समझती हूँ कि स्त्री का हर मुद्दा सामाजिक मुद्दा है। जैसे मैंने कहा, बलात्कार में एक मर्द होता है, ये कई मर्द होते हैं और एक स्त्री होती है, तो मर्दों की मानसिकता जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक स्त्री सुरक्षित नहीं हो सकती। स्त्रियों की मानसिकता सिर्फ बदलने से क्या होगा? ये जो हमारा समाज है उसमें आधी दुनिया मर्दों की है, आधी आबादी मर्द है। मैं फिर अपने समाज, मैंने जो सोचा हुआ था वो आपसे सवाल करती हूँ फिर। तो फिर इसका मतलब स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या इन सब चीज़ों के लिए? अगर सिर्फ लेखक जिम्मेदार है, नहीं, नहीं, तो क्या हम लेखक जिम्मेदार नहीं है, और स्टेट भी जिम्मेदार है। मैं एक मिनट सवाल अपना पूरा कर लूं। मैं वाकई आपसे पूछना भी चाह रही थी कि इस समय जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतों का सब तरफ, एकेडेमिक्स में, लेखन में, सब तरफ एक प्रभुत्व साथ धीरे धीरे आप छाता हुआ देख रहे होंगे, भीतर से दरारों से उसे घुसते हुए देख रही होंगी, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसको, उससे लेखक को कैसे जूझना? वही मैंने कहा ना कि एक अलिखित इमरजेंसी लगी हुई है आजकल। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको एक ख़ास तरीके से ही बोलना है, नहीं तो आप अगर IAS अफसर हैं तो आपका तबादला हो जाएगा, आपको कहीं छोटी हाशिए में डाल दिया जाएगा। आप अगर रिजर्व बैंक के चीफ हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप लेखक हैं तो आपको चुप करा दिया जाएगा। आप अगर कार्टून बनाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर कार्टून बनाने पे, मुझे याद है एक बात हुई थी कि हर कौम को आप पहचान सकते हैं उसके कार्टून से, वो कितनी भयग्रस्त है और कितनी स्वतंत्रता की तरफ जा रही है ये उसके कार्टूनों से पता लग जाता है कि वो कैसे कार्टून बना रही है। एक ज़माने में शंकर कार्टून बनाते थे, आप तो तब बच्चे होंगे, पता भी शायद ना हो। तो नेहरू ने उनसे कहा था, भाई शंकर आजकल मेरा कार्टून कम क्यों कर दिया बनाना, क्योंकि कार्टून से स्वतंत्रता का पता लगता था। एक हमारा ज़माना है कि अगर कार्टून बना दिया तो ममता बनर्जी ने उनको जेल में डाल दिया, पकड़ लिया। तो ये जो एक ऐसी इमरजेंसी जिसका आप विरोध भी सब मिलकर नहीं कर पा रहे हो, अकेले अकेले कर रहे हो, क्योंकि सब मिलकर किस चीज़ का विरोध करें, उसको क्या नाम दें? जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है ये हिंदुत्व का ही नतीजा है ना। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की हो रही है, दूसरे धर्मों की हो रही है, दलितों की भी हो रही है। वो चाहे जात हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जेंडर हो, सब में जो सत्ता में है वो उसका हनन कर रहा है, उसका, उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, जैसे अनामिका ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, जो सत्ता में नहीं है और जिसको वो आने नहीं देगा। उन्होंने तय कर लिया कि कौन सत्ता में आएंगे और कौन सत्ता में नहीं आएंगे। कौन लेखक लिखते रहिए, आप पढ़े जाएंगे कि नहीं पढ़े जाएंगे। और हम तो हिंदी में लिखते हैं तो हम तो वैसे भी पढ़े जाएंगे, इसी पर संकट होता जा रहा है। ये इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, उसमें सिर्फ एक ये सेशन हिंदी में है, और कितने लोग यहाँ आए हैं। फिर भी मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने लोग आए हैं, वरना हिंदी के सेशन में ना कोई आता है, ना हिंदी के सेशन की रिपोर्टिंग होती है। कल आप देख लीजिएगा अखबार में, वो जो सब जितने भी लोगों ने क्या कहा है वो अंग्रेज़ी की सेशनों से लिया हुआ होगा। तो फिर भी हमने लिखना नहीं बंद किया है,
क्योंकि हमें कहीं विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमको पढ़ा जाएगा. प्रिंटेड वर्ड पढ़ा ही जाता है, प्रिंटेड वर्ड बचा ही रहता है. शब्द के बिना, भाषा के बिना हम कुछ नहीं हैं. और समझ रखिए कि अगर आपने अपनी भाषा खो दी तो आपके दिमाग का एक हिस्सा कुंद हो जाएगा. आपका सोचना, आपका, आप मैथमेटिक्स भी नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी भाषा भूल जाते हैं. तो ये वाली बातें जो हैं, ये हमारे समय का कड़वा सच है जो मैं आपसे कह रही हूँ. जो कहने में अगर किसी को भय नहीं लगता हो तो थोड़ा सा बेवकूफ़ ज़रूर होता है. जी आप बोल लीजिए. ऐसा है दोस्तों कि समय जितना अंधकारमय होता है उतना ही दीपक रोशनी देता है. हम ये नहीं कह सकते कि समय केवल कड़वा ही कड़वा रहा, भयंकर ही भयंकर रहा. अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ ना होते, आने वाले बच्चे पैदा ना होते, आने वाले प्रेम किए न जाते. इस सारे भयंकर और कड़वे समय में भी साहित्य ने एक रोशनी दिखाई है. साहित्य, संस्कृति और कला तब तब प्रबल हुए हैं, प्रखर हुए हैं, प्रतिभावान हुए हैं जब जब समय खराब रहा है. मध्यकाल में, आदिकाल में, आधुनिक काल में कितनी कितनी दमन रहे हैं, शोषण रहे हैं, कितने कितने खराब राजा रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मार दिया है. मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन्स याद आती हैं, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट. तो ऐसे अंधे समय में भी साहित्य, संस्कृति और कला ने रोशनी दिखाई है. तो यहाँ से आप ये सोच कर न जाएं कि अब जीवन समाप्त है क्योंकि समय खराब है. जीवन चलता रहता है चाहे समय कितना भी खराब हो. अनामिका जी, यही सवाल, कोई और सवाल? बिल्कुल यही सवाल कि एक लेखक होने के नाते आपको कैसा लगता है कि इन कड़वे सचों का हमको कैसे सामना करना होगा? देखो, हम जब छोटे थे, क्योंकि निराश होके तो नहीं बैठे, निराश नहीं. मुझे तो अभी लगता है, जैसे इनकी बात की छोटी सी मैं प्रतिक्रिया दे दूं, कि हम इतने जो अकेले हुए हैं, इतना जो पार्टी, एक मधुशाला की पंक्ति है कि दिन को होली रात मनाती, रोज दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला. हम अपने अकेलेपन से डर के ही इतने उत्सव धर्मी तो नहीं हो गए. हम कभी कभी ये सोचा करते हैं कितने उत्सव हो रहे हैं, नए उम्र के लोग इतनी पार्टियां करते हैं. अकेला रहना जब भयानक, जब आप दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जब आप अपने साथ नहीं रह सकते तो किसी दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं. अकेलेपन से घबराते, अपने साथ रहने से घबराना, ये बहुत विकट स्थिति, ये भी घबराहटों में एक बड़ी घबराहट है कि आदमी आत्मस्थ रहने से घबराता है. क्योंकि आत्मस्थ होगा तो सोचेगा, सोचने से घबराने वाला समय. और ये होली इसीलिए जो भयग्रस्त है कि भय से के कारण हम चले जाते हैं समारोहों में, उत्सवों में, रोज ये भी एक तरह की बात मुझे कभी कभी लगती है. मैं दो अपने वरिष्ठ और प्रिय लेखकों, और तुम भी मेरी प्रिय लेखक चिंतक हो, तुमसे भी इस और अपने सुधी श्रोताओं के सामने रखना चाहती हूँ कि ये होली खोल दिन को होली खेलते खेलते रक्त की होली जब हम खेल लेते हैं, घृणा का ये उत्स कैसे आता है. ये कहीं एक तरह से आत्मविश्वास की कमी है, कुंठा है, या हम आत्म इस तरह से श्रेष्ठता ग्रंथि के शिकार हो गए हैं कि सामने वाले में जो गुण है हम उसे देख ही नहीं पाते. संवाद तो तभी होगा ना जब सामने वाले में भी आप बुद्धत्व के बीज देखेंगे, मनुष्यत्व के बीज देखेंगे. सब में एक विशिष्ट, हर जैसे कैमरामैन है ये जानता है कि हर कैमरा, हर चेहरा एक निश्चित एंगल से सुंदर है. उसी तरह मनुष्य होने के नाते हम जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशिष्ट है. अब उसका वो वैशिष्ट्य उजागर करना किसी भी संवाद का महत्व होता है, मतलब होता है. और दिवाली ऐसी है कि जैसे दिन रात की दिवाली की बात सोचो तो सूचना भी एक विस्फोट है. सूचना अलग अलग स्फुलिंग हैं, फुलझड़ियाँ हैं सूचनाओं की जो लगातार जड़ रही हैं, लेकिन कोई एक सस्टेन्ड फ्लेम नहीं है किसी दर्शन का. हमारे दर्शन का फ्लेम दिवाली में वो भी तो ऊंचा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, उस पे झंझावात है. अब तुमने निवारण की बात कही,
तो मुझे जब नागरिक शास्त्र हम पढ़ते थे बचपन में तो एक किताब एक शब्द हुआ रहता थे, निवारण नहीं मैंने कहा सामना, सामना हाँ मतलब सामना करते, सामना भी सामना करने के लिए थोड़े करेंगे, निवारण के लिए ही। आखिर जनतंत्र में संवाद के अलावा क्या उपाय है ना, प्रतिरोध करना चाहिए तब तक जब तक सुनने की स्थिति ना आ जाए। और प्रेशर ग्रुप की मैं जिस बात का शब्द का इस्तेमाल कर रही थी वो प्रेशर ग्रुप है जनतंत्र में। और उपाय क्या है, अगर हम एका नहीं, एक फैसिस्ट है जो कहता है कि सब लकड़ियां एक कर दो तब हमारी ताकत है, लेकिन जो जो इसमें इसकी लाइन है बहुत कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैनॉट लिसन हियर द फैल्कनर द बेस्ट लैक कन्विक्शन एंड द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। जो बुरे लोग हैं फासिस्ट हैं वो तो एक हो गए हैं, लेकिन द बेस्ट लैक कन्विक्शन, हम एक नहीं हुए, हम में अभी भी एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति है, एक साथ जो जिसमें विशिष्ट है उसे रेखांकित करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो हम एक प्रेशर ग्रुप ऐसा बना नहीं पा रहे हैं जिससे सत्ता हमारे आगे झुकने को विवश हो जाए। और मृदुला जी ने ठीक ही कहा, अक्षर अगर अक्षर नहीं होगा तो कौन होगा, तो हम अपने क्षरण के लिए दुख से व्याप्त नहीं, हम वेट कर रहे हैं, एक तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर तो है ही। मैं तो इसको भी कहती हूँ कि जो तो नोमेंस लैंड एक इंटरनेट है वहाँ भी जो आ रहा है वो एक तरह से विस्फोट की स्थिति में ही आ रहा है। सूचनाएं अभी पर्सपेक्टिव नहीं बन पाई हैं, ये तो मैं कहूँगी, सूचनाएँ बिखरी हुई हैं, ज्ञान जो है अभी विवेक में नहीं विकसित हो पाया है, और इसीलिए हम डिजिटल एक तरह का जो शब्द बहुत चल पड़ा है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में वो है डिजिटल डिक्टेटरशिप। एक डिक्टेटरशिप तो है ही है जो हम जानते हैं, एक अधिनायक तत्व, दूसरा कि हमारी सूचनाएं, हमारे बारे में जो सूचनाएं हैं वो जो वो डिजिटल वर्ल्ड के किन्हीं प्रमुख कंपनियों के पास इस तरह है कि वो हमारे जीवन को मैनिपुलेट करने की स्थिति में नहीं है, उसको भी हम कैसे उसका सामना करें और सामना करके उसको संवाद के लिए हम मजबूर करें, उसको घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर करें, ऐसी एक भाषा हमें विकसित करनी होगी। तू मैं के अलावा आपको ये भी करना होगा कि हमें एक वैकल्पिक स्पेस देना होगा, हम जो अपने लेखन में देते हैं, और बातचीत के लिए भी बढ़ना होगा। मैं एक बिल्कुल अनामिका ने एक बात कही तो उनसे एक बात याद आई या दिमाग में आई कि ये जो आपने कहा कि एक श्रेष्ठता बोध लोगों में है, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, हीन भाव कहें, श्रेष्ठता बोध कहें, उसको अलगाववाद कहें, उसको ये कहें कि जो मेरे जैसा नहीं है वो बेकार है, जो मेरे जैसे नहीं सोचता वो बेकार है, मगर असल बात तो ये है कि जब हम अकेले नहीं रहना चाहते उसका कारण क्या है, हम सोचना नहीं चाहते, हम सब यहाँ मिलकर एक साथ बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि इसका उपाय, इसका निवारण हमें अकेले सोचना है। और लेखक की सबसे बड़ी नियति ये है कि वो जो कुछ करता है अकेले करता है, अकेले लिखता है, उसको पढ़ने वाला तभी पढ़ सकता है जब वो अकेले होने से ना डरे। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आप अकेले होते हैं, आप फिल्म देख रहे होते हैं तो सबके साथ होते हैं, पुस्तक पढ़ने में अकेले रहना पड़ता है, बार बार अकेले सोचना पड़ता है कि उसमें वो कहना क्या चाहता है लेखक, और उस दूरी को फैलांगना पड़ता है जो लेखक और पाठक के बीच में होती है, होनी होती है, मगर उसको फैलांग कर आप ऐसे इंसान से जो अकेला है साथ ही उसको बना लेते हैं अकेले को, और आप खुद अकेले नहीं रहते। ये एक पूरी प्रक्रिया है, और हर लेखक ये जानता है कि वो अकेला है, और ये भी जानता है कि जैसे ही वो लिख लेगा कुछ लोग अकेले नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे उसे अकेले में मगर अंततः अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि एक विचार है जो सबके भीतर धीरे 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 करके फैलेगा, और वही विचार सब कुछ है। नहीं तो सबसे कड़वा सच तो यही है कि हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम अकेले रहने से होने से बहुत डरने लगे हैं, जितना हम कटते जा रहे हैं
उतना ही हम अकेले होने से डरते जा रहे हैं। और एक सबसे कड़वा सच आजकल का अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये है कि असल सूचना क्या है, सच क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, उसमें फ़र्क करना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने को कहती है और कहीं आपके ऊपर सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि वो आंतरिक रूप से आक्रमण करती है और कहीं जज्ब हो, जैसे बाजार जज्ब होता है, विज्ञापन जज्ब होता है आपके भीतर, आप उसको इतनी बार सुनते हैं कि वो आपकी मानसिकता का, मानस का हिस्सा बन जाता है। तो उससे लड़ना पड़ता है अकेले होके, उस पर सोच कर, उसको सोच विचार कर, उसको अलग करने में, उसको नष्ट करने में, कि ये जो कहा जा रहा है ये सच हो नहीं सकता क्योंकि ये कहीं तर्क पर हमारी जो हमें हम जानते हैं जो ह्यूमन सच है, जो मानवीय सच है, उस पर पूरा भर नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं पड़ रहा, उस पर ये उससे ये तय नहीं हो रहा, उस पर ये तार्किक रूप से साबित नहीं हो रहा, इसलिए ये फेक है। इतनी हमें बुद्धि होनी पड़ेगी। अनामिका जी ने जो अभी बात कही थी बीच में वैकल्पिक स्पेस के निर्माण की, मैं वहीं से एक और बात जोड़ना चाहूँगी, अपनी बात करना चाहूँगी ये कि ये जो वैकल्पिक स्पेस है इसका हमें निर्मिति करनी, इसका निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से मैंने शुरू किया था तब भी मैंने बार बार ये कहा था कि अगर मेन स्ट्रीम में रहते हुए हम लोगों के लिए इतनी बड़ी चुनौती है अपने आप को दर्ज करना, कहना और सबसे बड़ी बात कॉमन सेंस के खिलाफ जाना, ये जो कॉमन सेंस बना हुआ है उसके खिलाफ ही लेखक को लिखना होता है, उसी को तोड़ना होता है। जो लर्न आपने किया है दरअसल उसी को वो खुद भी अनलर्न करता है और आपको भी सिखाता है। इसलिए लेखक लिखता अकेले में है, आपने ठीक कहा, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, जोड़ सकती है अपने साथ। और स्त्री लेखन ये काम लगातार कर ही रहा है कि कितनी सारी अपनी भगिनी कलाओं को भी साथ में लेकर और अपने स्त्री साथियों को साथ में लेकर एक साझा मकसद की तलाश कर रहा है और लिख रहा है, लगातार दर्ज कर रहे हैं अपने सचों को। तो ये जो वैकल्पिक स्पेस का निर्माण है, मुझे लगता है कि ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि एक नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, हम सब अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन हम एक आवाज़ बन के सत्ता के सामने किसी प्रेशर ग्रुप की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इसलिए भी है कि हमने अपने लेखन में, अपने साहित्य के दायरों में इतने सारे प्रवेश द्वार लगाए हैं कि कौन कहाँ तक आ सकता है, उसकी क्या शर्तें हैं। इस वजह से भी बहुत सारी अस्मिताएँ, बहुत सारा लेखन और बहुत सारे लेखक लेखिकाएँ मुझे लगता है कि हमारे साथ नहीं आ पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो साहित्य को, मुझे लगता है लेखन की दुनिया को सबसे पहले अपने ये दायरे तोड़ने होंगे और बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना होगा, बहुत सारी आवाज़ों को अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अपने सच का मुकाबला केवल हम किसी एक अपने अस्मिता के अंश, किसी एक अस्मितांश को लेके उसे ही मुखर करके हम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है स्त्री होना भी अपने आप में एक पूरा बड़ा सच नहीं है, उसके साथ और बहुत सारे सच हैं जो मिलकर उसे संपूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारी चुनौतियाँ ये भी हैं कि हम राष्ट्रवाद के उस रूप से भी संघर्ष करें, लड़ें, जिसने एक मर्दवादी जामा पहना हुआ है और जिसकी जड़ें ही दरअसल मर्दवाद से फूटती हैं। हमारी चुनौती है कि हम धर्म और कानून जैसी संस्थाओं से, हम स्टेट से भी लगातार सवाल करें, बतौर लेखक हम उनको लगातार कटघरे में रखें और एक प्रतिपक्ष, एक मजबूत प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आएं, क्योंकि लेखन अगर प्रतिपक्ष नहीं बन पाया मजबूत तो वाकई इससे ये इन बातों का और इन बहसों से कोई नतीजा निकल नहीं पाएगा, हम लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी अस्मिताओं को साथ में लेकर चलना और जहाँ कोई दलित स्त्री, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई ऐसी जेंडर अस्मिता जो अपने आप को समझती है कि मैं शामिल नहीं हूँ, मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, हमें उन सबको साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि ये युद्ध हम लोग अकेले नहीं लड़ सकते। फैसिज्म हो या दक्षिणपंथी ताकतें हो या स्त्री विरोधी सत्ताएँ हों, उनसे हमारा संघर्ष अकेले का संघर्ष नहीं हो सकता। हम भले लिखते अकेले हैं लेकिन हम जब लिखते हैं तो ये सारी अस्मिताएं हमारे भीतर होती हैं, एक आदमी के भीतर जो रहते हैं 10-20 आदमी, हमारे भीतर तो उस समय पूरा संसार, न जाने कितनी अस्मिताएं, एक औरत के भीतर न जाने कितनी अगल बगल की कस्बे की औरतें, गाँव की औरतें, पड़ोस की औरतें, न जाने कितना कुछ उसके भीतर सिमटा हुआ होता है जब वो एक चरित्र का भी निर्माण कर रही होती है। तो हमें बहुत सारे सचों को सिर्फ हमें ही नहीं कहना है, हमें मौका भी देना है कि बाकी लोग भी अपने अपने समय
के कड़वे सचों को दर्ज कर सकें, उन्हें रजिस्टर करें और हम उन्हें सुनें। ये जो सुनने की काबिलियत हम में नहीं है, जो भी अलग है हमसे, ये एक बहुत बड़ा और दुखद सच है आज के समय का कि हम अपने से अलग आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं। हमें उसमें कमियां इसलिए नज़र आती हैं, ये थोड़ा शिल्प ख़राब है, थोड़ा ये यहाँ पे आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हम में भी वो सुनने की कुव्वत नहीं है, हम में वो काबिलियत नहीं है, हम अयोग्य हैं इस बात के लिए, हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस अदरिंग की बात आपने अनामिका जी की, वही अदरिंग का प्रोसेस फिर ये शुरू होता है कि ये हम हैं और ये वो हैं। तो ये आज के समय का मुझे लगता है कि ये सबसे कड़वा सच है जिसका अभी हमको सामना करना है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा, जैसे ममता जी ने शुरुआत में भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अचानक से कोई समस्या पैदा होती है, रूट्स उसके पहले से ही होते हैं। लंबा समय होता है जब ये चीज़ें पनपती हैं और बस जाती हैं धीरे धीरे जनमानस के भीतर। तो मानस बदलना होगा, लड़कों का भी मानस बदलना होगा, हमें अपब्रिंगिंग की तरफ, हम जिस तरह से अपने घरों में पुरुषों से बर्ताव करते हैं, हमें उसमें भी बदलाव लाने होंगे। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान तो देना ही होगा। और जैसे कि ममता जी ने शुरू में कहा था कि ये एक साथ नहीं, एकदम से चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं हमारी जो वरिष्ठ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जिन्होंने लिखा, सुमन राजे, वो अपने ही हमारे बीच में, उनकी दो किताबों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। बेहद ज़रूरी किताबें हैं। मुझे लगता है कि हिंदी में जो भी लेखन कर रही हैं, जो भी लड़कियां, जो भी लोग अभी नया लेखन कर रहे हैं, वे सब उन दो किताबों को ज़रूर पढ़ लें, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और इतिहास में स्त्री। इस किताब में की शुरुआत में भूमिका में लिखते हुए वो बोलती हैं कि हमने तो अपने ज़माने में उन इतिहासकारों से सवाल नहीं किए जिन्होंने स्त्रियों को खोजा ही नहीं और उनके साहित्य को दर्ज ही करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको बख्शेंगी नहीं। तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी नहीं बख्शेंगी अगर हम सवाल नहीं करेंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है लगातार इस तरह की बातें करना, लगातार सवाल करना, अपने आप को दर्ज करना। ये लेखकीय चुनौतियाँ मुझे लगता है कि स्त्री होने के नाते हमारे पल्ले ज़्यादा पड़ी हैं और हमें, हमारे लिए ये मुश्किलें शायद ज़्यादा बड़ी हैं। इसी के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, मृदुला गर्ग जी और ममता कालिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम्स लिट फेस्ट का हमारा।